वालेकुम दोस्तों, डिजिटल तालीम यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनटीएस का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो किस तरह से लिया जाता है। तो दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ होती हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं कि एनटीएस का जो टाइपिंग टेस्ट है वो किस तरह से लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र में चले जाते हैं, ठीक हो गया। तो आपने कंप्यूटर पे जो है ना कि कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उसमें दोस्तों आपने गूगल ओपन कर लेनी है, ठीक है। गूगल का तो हर किसी को पता होता है। तो गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जो है ना सर्च करना है एनटीएस टाइपिंग टेस्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर एनटीएस टाइपिंग टेस्ट आपने सर्च कर लेना है, एनटीएस टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल यहीं आपने लिखना है और सर्च कर देना है इसको। उसके बाद ये फर्स्ट पे एक वेबसाइट आएगी, इसको छोड़ करके एक सेकंड पे वेबसाइट आएगी एनटीएस टाइपिंग टेस्ट डॉट ब्लॉग सपोर्ट, इसको आपने क्या करना है ओपन कर लेना है, ठीक हो गया। तो इसको ओपन करने के बाद हम नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एनटीएस के टाइपिंग टेस्ट का सॉफ्टवेयर इसी तरह का होता है। इसमें 7 से 10 लाइनें होती हैं और आपको 5 मिनट में करनी होती हैं। इसका फॉन्ट भी इस तरह का होता है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए जो पैराग्राफ दिए गए हैं वो पिछले टेस्ट से लिए गए हैं। आप इन पैराग्राफ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीड को 45 अल्फाज पर मिनट तक ले जाएँ। तो दोस्तों जो एनटीएस का टाइपिंग टेस्ट होगा वो बिल्कुल इसी तरह का होगा और इसी तरह का सॉफ्टवेयर होगा जो कि कंप्यूटर पे ओपन होगा। वहाँ पर आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, मतलब कि आपने अपना रोल नंबर और अपना नाम लिखना होगा, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह का एक पैरा आ जाएगा, यहाँ पर आपने स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक करना होगा और यूँ ही यहाँ आपने आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कीबोर्ड के ज़रिए जो है ना यहाँ पे जो पैरा दिया गया है वही आपने टाइप करना है और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर आपने एंड टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया दोस्तों। तो जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है ना स्पीड शो होगी, ये 7 वर्ड पर मिनट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एरर शो होंगे जिस तरह मेरे 2 एरर्स हैं। उसके बाद एक्यूरेसी यहाँ पर शो होगी और यहाँ पर जो है ना ये रिमेनक होगा। तो इस तरह से जो है ना एनटीएस का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं।